आप सबको थैंक यू कि आप यहाँ आए. आज हमारे साथ एक बहुत महत्व मुहिम में जुड़े. मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी महसूस होती है कि आप सब ने आकर हमारे इस प्रोग्राम के आप हिस्सेदार बने, क्योंकि आप जानते हैं और ये पहचान चुके होंगे अब तक कि कितना ज़रूरी है हमारे सड़क पे रहने वाले बच्चों को पहचान दिलाना, उनके हक दिलाना. तो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सुनीता मैम, कितना मुश्किल होता है एक्टर को इस तरह इतना डिग्री जाके काम करना, कितना मुश्किल होता है? आई थिंक कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान अपने आउटलुक और माइंडसेट से होती है. अगर आप दिल से चाहें कुछ अच्छा करना, तो आप कितने भी मसरूफ़ हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में जगह इन चीज़ों के लिए बन ही जाती है और वक्त भी बन जाता है. जब से मैं सेव द चिल्ड्रन से जुड़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे चॉइसेस में, मेरे वैल्यू सिस्टम्स में कितना अंतर आया है. आई थिंक हम लापरवाह हैं इस ज़िम्मेदारी से, इस एहसास से कि हमारे देश में इतने बच्चे हैं जिनको वो बेसिक हक जो हम सबको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंची हैं. सर पे छत होना, माँ बाप का साया होना, शिक्षा प्राप्त होना, वो हर सहयोग मिलना जो बच्चों के लाइफ में उपलब्ध होनी चाहिए, खेलने कूदने का समय, पढ़ने का समय और सुरक्षित महसूस होने का समय. जब भी ऐसी बरसात होती है या मैं ड्रग्स से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ती हूँ या उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो अशिक्षित हैं, हमारे सड़कों पे रहते हैं, तो मेरा जी अंदर से घबराता है. मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ और मेरा एक ही तरीका है उस बेचैनी को झेलने का, वो काम करने से. जब मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ तो जो वो बेचैनी है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैं एटलीस्ट ये तो जानती हूँ कि कुछ तो मैं कर पा रही हूँ. ना करने से अच्छा है कुछ तो करना. एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि दिया जैसी चैम्पियन एम्बेसडर में तो बहुत मुझे लगता है हल्का शब्द है. शी इज़ एक्चुअली अ चैम्पियन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. और इतने कम समय में इतना खुद को एम्बेड और अपना लेना, जो हमारा कॉज है, सेव द चिल्ड्रन इज़ अ 100 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे लोग 20 साल से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में. बट दिया मतलब मैं अब तो 3 साल हो गए, बट मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग में और उसके बाद हम सरकार से मिलने जाने वाले थे कि हम मिनिस्टर से मिलने जाने वाले थे कि हमें उनसे ये मांग करनी थी कि बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है. और इतने इजीली दिया ने मतलब शी जस्ट यू नो अंडरस्टूड एंड एम्ब्रेस्ड द इशू. और जब वो खड़ी होके कुछ कहती हैं तो हम बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं, दिया बोलती है तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल लिसन. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ हैविंग समबडी लाइक दिया एज आर एम्बेसडर, एज आर चैम्पियन, नॉट फॉर सेव द चिल्ड्रन बट वो बच्चों के लिए. कि अगर आज 2 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो इस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें दिया जैसे और दिया से बेटर आई डोंट थिंक कोई एम्बेसडर हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. मैं सामने बैठी हूँ इसके लिए तारीफ. कैसा फील करती हैं मनीषा जैसे, अभी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, मनीषा जैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते वो आपके सामने आए और आपने कुछ प्रयत्न किया या ईशा मैम ने प्रयत्न किया, अब वो स्कूल जाएंगे, तो कैसा फीलिंग रहा उसका और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं पहले भी कह रही थी कि जिस तरह का इंस्पिरेशन मुझे इन बच्चों से मिलता है वो शायद ही बड़े लोगों से मिलके मिलता है, क्योंकि जो हकीकत उनकी है, मनीषा की बात अगर हम करें, एल्फिंस्टन फ्लाईओवर के नीचे रहने वाली लड़की, अपने भाई बहनों की का ख्याल रखने वाली, खाना पकाती थी, अपने भाई बहन का ख्याल रखती थी, स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था, उसने कुछ 5वीं या 6th क्लास में स्कूल जाना छोड़ दिया था.
उसकी कोई उम्मीद नहीं थी आगे बढ़ने की लाइफ में. जब हमारा फाउंडेशन उसकी लाइफ में आई और सेव द चिल्ड्रन उसके लाइफ में आई, तो उससे बात करके उसमें एक नई उम्मीद जगा के उसको हम स्कूल ले गए. उसने आज 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम पास किए हैं, फर्स्ट क्लास लेकर आई है वो. तो इसमें एक उम्मीद जागती है कि अगर हम बदलाव लाने की कोशिश करें तो बदलाव होगा. और शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब शिक्षा मिलती है इन बच्चों को, तो इन बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल जाती हैं. और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि दे लर्न टू नेविगेट लाइफ. वो रोड साइंस पढ़ते हैं, वो रूल समझते हैं, वो गलत और सही का अंतर जानने लगते हैं, तो वैसे ही उनके ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है. तो मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों को, जो हमारे देश के बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं, मैं नहीं मानती कि हम देख के उनको अनदेखा करते हैं. ये गलत बात होगी, ये कहना गलत होगा. आई थिंक हम देख के मुड़ जाते हैं क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है. लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि इन बच्चों से आप प्रेरणा लीजिए. मैं उनसे अपील करती हूँ कि उनको देख के आप अपना सर मत मुड़िए, क्योंकि जब आप उनसे पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ रहते हो, स्कूल जाते हो भी कि नहीं, आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे. और वो जवाब में ही आपको रास्ता नज़र आएगा कि आपको क्या करना है. एंड आई थिंक सेव द चिल्ड्रन ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पब्लिक डोमेन में डाल के बहुत बड़ा काम किया है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं उनके साथ हम क्या करें. मुझसे बहुत बार पूछते हैं लोग, क्या हम उनको पैसे दें, पैसे ना दें, उनसे पूछे कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं, उनका स्कूल में दाखिला करवाएं, उनको पढ़ने के लिए किताब दिलवाएं, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो ये कोशिश करें कि उन तक दवाइयाँ पहुँचाएँ, उनको डॉक्टर के पास ले जाएँ, और एक इंगेजमेंट बरकरार रखें उनके साथ. क्योंकि हम सबके मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं जो घर में नहीं रहते.